हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है डेज uh, uh, का जो क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने जा रही हूँ उसमें एक्सक्रिटरी सिस्टम एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट एंड डर एलिमिनेशन नाम से जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं कल का जो क्लास होगा नौ बजे उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अब मेरे पास टाइम का क्लास होगा आपका तो कुछ सेक्शन अगर बच जाता है तो नेक्स्ट डे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सॉल्व करेंगे आज ये चैप्टर पढ़ेंगे कल इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ ठीक है थीके? तो जल्दी से आ जाओ फटाफट से लिंक शेयर करो सो वी कैन स्टार्ट क्लास इससे पहले कि मैं मैं सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूं। अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन से इंडिया के सत्तर से ज्यादा टॉप एडुकेटर्स की टीम हमारे पास है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट में जितने भी एडिकेटर के पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं केवल सब्सक्रिप्शन से वो सब हो जाते हैं आपके लिए अनलॉक यानी कि जिस सब्जेक्ट में जिस एडुकेटर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच करे जी बिल्कुल आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं करना क्या होगा सिंपल सा स्टेप है आप प्ले स्टोर पे जाए प्ले स्टोर पर जाके आपको अन का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो नीट यूजी उसमें भरिएगा फिर आपसे पूछा जाएगा प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को आप आप ऑप्ट करेंगे उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे आपके सामने इस तरीके से वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल हैं इनमें से किसी भी एक ड्यूरेशन को ऑप्ट करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट के पहले ऐसे एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई देगा उसमें आपको अपनी मैम का नाम कोड लिखना है दैट इज शिवानी एस एच आई वी ए एन आई शिवानी कोड अप्लाई करके अगर आप पेमेंट करते हैं तो एक तो आपको आपकी फीस पर 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा यहां पर जो फीस है वो 10 परसेंट डिस्काउंट के बाद ही शो हो रही है प्लस आप जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो समय पर जो भी बम्पर ऑफर्स चल रहे हैं वो सारे बम्पर ऑफर्स भी अनलॉक हो जाते हैं प्लस आप डिरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे ये तो कोई भी अवेल करवा देगा ये कुछ एक्सक्लूसिव फीचर है शिवानी कोड अप्लाई करने के आप मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई ग्रुप एंड माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ माई स्पेशल बैच दैट इज द सुपर इट इज आपको फ्री ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज मिल जाता है आपको कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको डीपीपीज मिलते हैं क्वेश्चन बैंक मिलते हैं और मेजर कंसर्न आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है यानी कि डेली बेसिस पर टारगेट्स मिलते हैं बैक पोर्शन कैसे करना है करंट का सही तरीका क्या है कहाँ से और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो सब आपका हेड नहीं है आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर दिया जाता है उस स्टडी प्लानर के अनुसार ही मतलब आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा रोज के टारगेट्स मिलेंगे और उसके टेस्ट हम अलग से कंडक्ट करते हैं यानी कि आई जस्ट वॉन्ट अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इफ यू आर देन यू कैन सब्सक्राइब टू आर प्लस प्लेटफॉर्म वाई यूजिंग माई कोड शिवानी तो आप सुपर एटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे देन टुगेदर वी विल क्रैक क्योंकि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे ठीक है अगर, अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है या सब्सक्रिप्शन के पहले आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कैसे कॉन्टैक्ट करोगे आप मुझे अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो यहां बेटा फॉलो कर लोगे फॉलो करने के बाद नीचे ड्रैग करोगे तो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आएगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कंटेक्ट मी टू टू द द पॉइंट पॉइंट अपना Hi, hello, अपना क्वेरी क्वेरी लिखिए हाय हेलो मैं टाइम पास नहीं लिखना आई आई विल विल रिवर्ट यू यू कॉल ठीक है डायरेक्ट बोलोगे मैम सब्सक्रिप्शन रिलेटेड बात करनी आई विल कॉल यू ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर दो आज से मेजर टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है मैं भी क्लास के बाद पब्लिश कर दूंगी चार बजे

एनसीआर खोल लीजिए एनसीआरटी मैंने यहां पर खोली हुई है एनसीआर वर्ड टू वर्ड में डिकोड करके आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन पर मेरे सामने भी खुली हुई है तो जल्दी से आ जाओ यही तादाद तो भाई क्लास नहीं हो पाएगा ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से लिंक शेयर कर लो सो वी कैन स्टार्ट विद आर क्लास प्लीज शेयर द लिंक चलो अब मैं बात करूं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड डेयर एलिमिनेशन इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके एनिमल्स जो हैं ये एक्यूमुलेट करते हैं एनसीआरटी एनसीआरटी लिख लो नोट्स आप साथ में एनसीआरटी में ही बनाते जाना अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आय लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट सल्फेट एक्सेट्रा इनको एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करते हैं बाई इधर बाय द मेटाबोलिक एक्टिविटीज या फिर किसी दूसरे तरीके से हम एक्स इंजेशन की वजह से भी हो सकता है तो ये जो सारे सब्सटेंस है इसको आप बाहर निकालने की एलिनेट करने की जरूरत है This substance has to be removed, या तो पूरी तरीके से हम इसे रिमूव कर दें या पार्शली दिस सब्सटेंस है ये जो मैकेनिज्म है जो मैकेजम ऑफ एलिमिनेशन है इन सब्सटेंस का यानी कि एक्सक्रीशन मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीस सब्सटेंस विद स्पेशल एम्फसिस स्पेशली आपके नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर कैसा होता है स्पेशली अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड का कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे ठीक है मतलब बहुत सारे अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट ये सारे आयंस एनिमल्स uh, अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवलेट करता है अब अब लेकिन ये 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 जो है, ये जो जो सारे इनको करने की आवश्यकता है, है, है और इन का, with special सबका तो डिटेल नहीं बट अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड का हम यहां पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं ठीक है एनसीआरटी वर्ड टू वर्ड यहाँ पर ये यह पीपीटी जो चल रही है आप अपनी एनसीआरटी खोल सकते हैं मैंने एनसीआरटी ही यहाँ पर शो कर रही हूँ तो एनसीआरटी वर्ड टू वर्ड डी कर रही हूँ बेटा मैं ठीक है अब सुनो अमोनिया की बात करें अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कोई है तो अमोनिया यूरिया अमोनिया से कम लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक है और यूरिक एसिड सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस है, है? ठीक इनके रिमूवल के लिए इन नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को यूरिया को अमोनिया से कम लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है और सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए ठीक देखो अमोनिया इट इज दबसे पहले अमोनिया के बारे में दे रखा है हमने तो कंपेरिटिव स्टडी की बट ये अमोनिया के बारे में एनसीआरटी ने लिखा है इट इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वॉटर भी इसी को चाहिए एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर फॉर इट्स एलिमिनेशन जबकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक ये है सबसे कम टैक्स टॉक्सिक है यूरिक एसिड और सबसे कम पानी की आवश्यकता भी उसी को होती है वेरस यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है एंड कैन बी रिमूव विदिन सबसे कम वॉटर की रिक्वायरमेंट भी यूरिक एसिड को ही होती है उसके एक्सक्रीशन के लिए ठीक है ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं बहुत सारी बोनी फिशेज ठीक है मेनी बोनी फिशेज एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्टिक इंसेक्ट दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर यानी कि इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है ये अमोनिया ही होगा ठीक है बोनी फिशेस एम्फीबियंस एक्टिक एम्फीबियंस एंड एक्टिक इंसेक्ट दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर अब इनका मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्मीजन क्या है तो आपके जो जनरल बॉडी सरफेस है ना इसी से देखो अमोनिया ये इट इज रेडिली सॉल्यूबल इट इज जनरली इट इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द सरफेस इन फिशेज एज अमोनियम आयन इस तरीके से इसका एक्सक्रीशन होता है कैसे मतलब इट गेट इट इज रेडीली सर्वल इट गेट डिफ्यूजन अक्रॉस इट एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस और थ्रू द गिल सर्फेस इन फिश एस अमोनियम आयन इस तरीके का मैकेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है आप चाहो तो एक काम करना ऐसे एक चार्ट बनाना अमोनोटालिक यूरियोटालिक एंड यूरिकोटालिक एक सेकेंड बेटा लेट मी नो इन द चैट मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रही हूं क्या दिखाई तो दे रही हूं आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज लेट मी नो हियर अ मोनोटालिक यूरियोटालिक आप जैसे तो एक डिफरेंट स्टार्ट बना लो एंड यूरिकोटालिक ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में ये कुछ चीजें ऐड ऑन करते जाना ठीक है अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी मैटर कौन सा है ठीक है एक्सक्रीटरी मैटर ऐसे लिख लो सबसे पहला जो काम हम करेंगे एक्सक्रीटरी मैटर कौन सा होता है किसमें एक्सक्रीटरी मैटर की बात करें तो क्लियर होगा अमोनोटालिक वाला है यूरियोटालिक मैटर यूरिया होने वाला है और यूरिकोटालिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीटरी मैटर यूरिक एसिड होने वाला है फिर हम दूसरे लेवल पर बात करेंगे बेटा टॉक्सिसिटी की ठीक है टॉक्सिसिटी की अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है ये है अमोनोटालिक ऑर्गेनिज्म हाईएस्ट टॉक्सिसिटी है लीस्ट टॉक्सिक जो है, इट इज यूरिकोटालिक ऑर्गेनिज्म और, और यूरियोटालिक लेस देन अमोनिया अमोनिया से कम लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक होते हैं लेस देन अमोनिया बट ग्रेटर देन यूरिकोटालिक ठीक है अब तीसरा कंसर्न जो है हमारे वाटर के रिक्वायरमेंट के ऊपर है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर किसी को रिक्वायर्ड होता है तो वह है अमोनोटालिक ऑर्गेनिजम्स को ठीक है वेरी लार्ज क्वांटिटी में सबसे कम सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट जिसको होती है ये है आपके वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे कम जिसको होती है इट इज को और ऑर्गेनिज्म को अमोनियोटोलिक से कम लेकिन यूरिकोटालिक से ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है इसके बाद हम मैकेनिज्म करेंगे एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या है फोर्थ जो है मैंने यही पूरा डिफरेंस फॉर्म में पढ़ा दिया है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ये अमोनोटैलिक में अभी जस्ट डिस्कस किया सिंपल डिफ्यूजन से सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिशेस दिस इज द मैकेनिजम ऑफ एक्सक्रीशन फिर इनके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए इनके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए ठीक है हमने बात की मैनी बोनी फिश के अंदर मैनी बोनी फिश के अंदर एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर, और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक एम्फीबिया एक्वेटिक इंसेक्ट एंड एक्वेटिक एम्फीबिया के अंदर इस तरीके का ये प्रेजेंट होता है अब मैं साइड हट रही हूं आपको बताने अब और की अगर मैं बात करूं बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन वाला सेक्शन रह रहा है बाकी तो मैंने डिस्कस कर लिया है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म से आपका अमोनिया प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है अमोनिया प्रोड्यूसड इन बाय मेटाबॉलिज्म ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लीवर के अंदर और फिर ये आपके ब्लड के अंदर रिलीज होता है विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाई द किडनी लिख लो इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि अमोनिया जो है इट इज प्रोड्यूस्ड अमोनिया का प्रोडक्शन होता है बाय मेटाबॉलिज्म ये लीवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कन्वर्टेड अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गया एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर और ये आपके ब्लड में रिलीज होगा एंड रिलीज इन ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी विच इज फिल्टर्ड ये एनसीआरटी का सार पूरा मैं टेबल बना के दे रही हूं, which is filtered and excreted. आप NCIT में नोट्स कर लेना, ठीक है? इसके की बात करें, ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? आपके हैं, मरीन फिशेस हैं एम्फीबिया यानी कि फ्रॉक्स जो होते हैं उसमें भी एम्फीबिया मैमल्स हैं मरीन फिशेस हैं और एम्फीबिया प्रॉप दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं बेटा तो बाकी सारी चीजें तो मैंने यहां डिस्कस कर ली यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम की एक सेकेंड मोबाइल कहा गया सब क्या हुआ कुछ दिक्कत हो रही है क्या लेटमी चेक टिक ऑर्गेनिजम का ये अवेलेबल नहीं है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन नहीं है सिर्फ आपको इनके वो याद रखने हैं ठीक है थीके? एक सेकेंड नहीं नहीं ये सही लिखा हुआ है ठीक है ये सही लिखा हुआ है हाँ जी अब सुनो हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया हाँ अब हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स की सिर्फ यूरिक यूरिकोटालिक ऑर्गेनिज्म का जो है आपका ये अवेलेबल नहीं है मैकेनिज्म आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद करने बर्ड्स इंसेक्ट्स लैंड स्नेल्स

रेप्टाइल्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी जो हैं ये इसके एग्जांपल्स हैं यूरिकोटालिक ठीक है बेटा अब मैं आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए मैं अभी एनसीईआरटी पर जाऊंगी इसके बाद एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल डिफरेंस फॉर्म में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि अमोनोटालिक यूरियोटॉलिक यूरिकोटालिक एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें अमोनिया अमोनोटालिक जिसमें यूरिया इट इज यूरियोटैलिक और जिसमें यूरिक एसिड इट इज यूरिकोटॉलिक वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा अमोनोटालिक ऑर्गेनिज्म को होती है सबसे कम यूरिकोटालिक को होती है और यूरियोटालिक को अमोनिया से तो कम लेकिन यूरिक एसिड यूरिकोटालिक से ज्यादा होती है सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनोटालिक है सबसे कम टॉक्सिक यूरिकोटालिक है और यूरियोटालिक अमोनोटॉलिक से तो, तो कम टॉक्सिक है लेकिन यूरिकोटॉलिक से ज्यादा टॉक्सिक है फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीजन इसमें तो सिंपल डिफ्यूजन से थ्रू बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस होता है एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत सारी बोनी फिशेस एम्फी एक्वेटिक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस इसके एग्जाम्पल हैं यूरियोटैलिक में वही आपके मेटाबोलिज्म अमोनिया अमोनिया प्रोड्यूस होता है ये लीवर में अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू यूरिया विच इज ये ब्लड में आएगा विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी मैमल्स मरीन फिशेज एंड एम्फीबिया दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस का डिटेल में नहीं है सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना बर्ड लैंड से क्लियर हो गया होगा रीडिंग -फड़ वैसे लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है ये पूरा मैंने आ, ये डिस्कस कर लिया है रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड ये यूरिकोटालिक ऑर्गेनिज्म तक ये हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ठीके? अब इसके आगे से मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स इस किस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स क्या क्या हैं ये दे रखा है ये प्रोटोनफ्रीडिया वगैरह ये सब जो दे रखा है ना इसी का इसी का मैं एक दोबारा से एक चार्ट बनवा रही हूँ इसके बाद का जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी के अंदर प्रोटोनफ्रीडिया नेफ्रिडिया मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड और किडनी किस किस अब ये जो सब्सटेंस है ना जिसका एक्सक्रीशन होना है इनके एक्सक्रीशन के लिए अलग-अलग ऑर्गन्स हैं ठीक है थीके? तो किसके अंदर क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिर मैं एनसीईआरटी ये एनसीईआरटी बता देती हूँ तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं इसके बाद का जो सेक्शन दे रखा है ना एनसीईआरटी पढ़ना मैंने यहां तक कहा मैं पूरा एनसीईआरटी को ही टेबुलर फॉर्म में करवाती जा रही हूं ठीक है थीके? एनसीआरटी को ही मैं टेबुलर फॉर्म में करवा रही हूँ तो आप चाहें तो एनसीआरटी घर जाके पढ़ लेना as it is वही अगर आप कहोगे मैं एक सेकंड थोड़ा सा चार्ट बना के आपके कॉमेंट सेक्शन देखती हूँ कि नहीं मैम आप तो यही पढ़ के सुनाओ तो मैं एक बार बता दूंगी ठीक है तो, तो होता है, प्रोटोन एफ्रीड्रिया किसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है जैसे कि एक आप एनसीआरटी में ही ये नोट्स कर लेना Flame Cells भी कहते हैं। प्रोटोनिया है फिर आपके नेफ्रीडिया है फिर आपके मैलफीजियन ट्यूब्यूल्स है मेरे पास कम थोड़ी सी मैलफीजियन ट्यूब्यूल्स है ठीक है ठीके? आपकी ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड जिसे हम कहते हैं वो है ग्रीन और एंटीनल ग्लैंड है सब में है बेटा ठीक है बस उसको मैं टेबुलर फॉर्म में करवा रही हूं और किडनी ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरीके से आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है किसी के अंदर किडनी है किसी के अंदर ग्रीन ग्लैंड है किसी के अंदर ट्यूब्यूल्स हैं किसी के अंदर है. किस के अंदर क्या है है किसके क्या ये हम पढ़ेंगे इनके टी के साथ NCRT के पूरे चार्ट का पूरा जो एक पैराग्राफ है बकायदा एनसीआर के अंदर उसका सार मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ठीक है हाँ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं इसके बाद पूछूंगी बेटा मैं इसके बाद पूछूंगी आप लोग का ये उसके बाद देखूंगी मैं क्या बोलते हैं आपके कॉमन ठीक है प्लेटीहेलमेन्थीस रोटिफर्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स एमसी एक्सिस के अंदर ठीक है प्लेटी लिखो एग्जाम्पल सीधा प्लेटी हेलमेन्थीस रोटिफर्स सिफेलोकॉर्डेट सिफेलो कॉर्डेट्स प्लेटी हेलमेंथीज रोटिफर्स सिफेलो कॉर्डेट्स इसके अंदर चाहो तो लिख लो इसके अंदर इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका इट इज इट इज प्रोटोनाफ्रीडिया ठीक है एनिलिड्स अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रिडिया है एनिलिड अर्थवॉर्म पढ़ते हैं डिटेल में अर्थवॉर्म के अंदर ये है कॉकरोच के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट इंक्लूडिंग द कॉकरोच कॉकरोच भी पढ़ाया आप लोगों ने डिटेल में कॉकरोच के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉकरोच लिख लो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉकरोच उसके अंदर ये है

सिंपल सिंपल सी चीज किसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा है तो प्रोटोन फ्लेम सेल्स जिन्हें हम कह रहे हैं प्लेटी हेलमथीज रोटीफॉर्डिट एम्फक्स के अंदर प्रोटोनिया है, है मेलफिजिन ट्यूब्यूल्स की बात करूं बहुत सारे इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉकरोच उसके अंदर ये है ग्रीनलाइंस, क्रस्टेशियंस के अंदर और ऑल द वर्टिब्रेट्स, दे हैव देयर एक्सक्रिटरी ऑर्गेनाइज्ड किडनी, इट इज़ द थिंग। ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। हम्म। hmm? बाप रे लाइट चली गई है। बिना इसी के पढ़ाना बहुत दिक्कत होती है। हम्म। hmm. नाम लेते ही हाजिर अब नेक्स्ट में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूंगी क्या क्या आएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ यूरेटर अ पेयर ऑफ किडनी यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेट्रा ये सब आए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ किडनी दो किडनी है ना There is a pair of ureter, a urinary bladder, and a urethra. Okay, a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder, and urethra. These are the इट ऑल कंप्राइजेस ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल डिस्कशन अब हम इसका करेंगे एक एक करके आज ऑफ एनसीआर पर ये तो रोटी ऑर्गन किस मेंफ्रिडी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके अंदर है मैलफीजियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर है ठीक है वो एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था क्रस्टेशियंस के अंदर वो है और किडनी किसके अंदर है ये हमने डिस्कस किया अब यहां तक जो मैंने एनसीईआरटी शो करी वहां तक मैं पूरा एनसीईआरटी दो टेबल में ही खत्म हो रहा है बट एनसीईआरटी का उतना सेक्शन मैं आपको वर्ड टू वर्ड डीकोड कर चुकी एक सिंपलीफाइड फॉर्म में अब यहां से पढ़ो ध्यान से सुनना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा है तो एज आई टोल्ड यू अभी जस्ट देर इज अ पेयर ऑफ किडनी अ पेयर ऑफ यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथरा ये आपके इट कम्प्राइजेस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें सबसे पहले किडनी के, तो के बारे में पढ़ेंगे किडनी की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से राजमा का दाना नहीं होता रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप की होती है राजमा का दाना जैसा होता है ना वैसी तो दिखती है तो किडनी जो है कलर रेडिश ब्राउन कलर का है राजमा का दाना नहीं होता बीन शेप स्ट्रक्चर है जो कि कहा प्रेजेंट है विच इज सिचुएटेड बिलो द लेवल ऑफ लास्ट एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा बिलो द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में क्लोज टू द डोरसल इनर वॉल ऑफ अबडोमिनल कैविटी ये आपका लोकेशन है किडनी का क्या बोला किडनी जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का बीन शेप स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होती है बिलो द लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू वॉल ऑफ कैविटी देखो बिटवीन द किस किस के बीच में बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एबडोमल कैविटी ये प्रेजेंट होता है एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर हम बात करें तो लगभग दस से बारह सेंटीमीटर इसका लेंथ है पांच से सात सेंटीमीटर इसका वेट, वेट है किडनी का दस से बारह सेंटीमीटर लंबी होती है पांच से सात सेंटीमीटर ये चौड़ी है और दो से तीन सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है ठीक है और इसका वेट की मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज इसके वेट की अगर बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 120 से 170 ग्राम है एन में ही नोट्स कैसे बनाने हैं भले दो दिन लगे हमें एक चैप्टर में लेकिन एक चैप्टर पूरा दो दिन में नहीं करेंगे आज कुछ सेक्शन बाकी रह भी गया तो वो कल मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के पहले करवाऊंगी ठीक है लेकिन मैं एनसीईआरटी के नोट्स आपको तो साथ में अवेल करवाती जाऊंगी यहां पर जो दिख रहा है ये प्योर एनसीईआरटी की लाइंस है ठीक है तो हमने किडनी का लोकेशन बिटवीन द लास्ट एंड थर्ड बिटवीन द लास्ट थोरासिक थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ये थोर्� प्रेजेंट है दस से बारह सेंटीमीटर लेंथ पांच से सात सेंटीमीटर विथ दो से तीन सेंटीमीटर इसका थिकनेस और वेट की मैं बात करूं तो 120 से 170 ग्राम का इसका वेट होता है फिर इसने बात की है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी एक नॉच प्रेजेंट होता है उस नॉच को आप कहते हैं हाइलम ऐसे जैसे ये किडनी है इसका ये सॉरी सॉरी फॉर दिस ये देखो कुछ इस तरीके से वो कह रहा है बेटा जैसे किडनी है ऐसा स्ट्रक्चर है अब यहां पर ये इनर कॉन्केव सरफेस के मिड में टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी एक नॉच प्रेजेंट है इसे हम हाइलम कह रहे हैं और इसी के थ्रू थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व ये आपके एंटर हो रहे हैं थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर ठीक है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव ऑफ किडनी इज इज नॉच कॉल्ड हाइलम इसके थ्रू यूरेटर ब्लड वेसल्स और स आपके जो है ये एंटर होते हैं ठीक है थीके? इतना लिख लो किडनी के बारे में जितना बताए ना आप एनसीआरटी में ही साइड में या फिर छोटे छोटे पेपर स्टिक करके नोट्स बना लो वहां पर ऐसे पैराग्राफ में होता है ना तो एनसीआरटी के साथ छोटे छोटे स्टिप चिपका लो आपको पढ़ने में आसानी होगी किडनी के बारे में बात की कि सिंपल सा पॉइंट है रेडिश रेडिश ब्राउन कलर का है ठीक है रेडिश ब्राउन कलर का है आपका किडनी इसकी मैं बात करूं ये कहां प्रेजेंटेट इज लोकेटेड बिटवीन द बीन शेप है ये भी लिख लो Bean shaped, के दाने जैसा ही तो होता है बीन शेप स्ट्रक्चर है कहा प्रेजेंटेट इज लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थर्ड लंबर वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर एनसीआरटी का ही लैंग्वेज है लेकिन ऐसे नोट्स बनाते जाओ पढ़ने में आसानी होगी लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल, एबडोमिनल क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एबडोमिनल कैविटी क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ एबडोमिनल कैविटी यहां पर ये प्रेजेंट होता है ठीक है एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर एक अडल्ट के अंदर किडनी के डायमेंशन दस से बारह सेंटीमीटर इसका लेंथ है पांच से सात सेंटीमीटर इसका विड्थ है दो से तीन सेंटीमीटर इसका थिकनेस है और 120 से 170 ग्राम तक इसका वेट होता है ठीक है फिर हमने बात की एट द सेंटर ऑफ इनर कॉन्कीव सरफेस ऑफ किडनी एक नॉच प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं हाइलम एट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव एट द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी एक नॉच प्रेजेंट है नॉच इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड हाइलम इसके थ्रू ही यूरेटर्स वेसल्स और नर्व्स जो हैं, ये आपके एंटर कर रहे हैं ये आप एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से यहां पे लिखा है थ्रू विच आपके ये, ये इत, इसके थ्रू ब्लड वेसल्स नर्व्स और यूरेटर आपका किडनी के अंदर एंटर कर रहा है ठीक अब उसके बाद कह रहा है इनर इनर टू द हाइलम हाइलम के अंदर की तरफ एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस है इस ब्रॉड फनल शेप स्पेस को हम रीनल पैल्विस कह रहे हैं। विद द प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन को आप कहते हैं calluses. ठीक है? Yeah. तो ये हाइलम इनर टू शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रीनल पैल्विस विथ प्रोजेक्शन ये देखो आपको डायग्राम में शायद सी है दिस इज द बीन शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द किडनी ठीक है

अब वो क्या कह रहा है उसके बाद अब ध्यान से सुनना ये बाकी डायग्राम आपको डीकोड कर रही रहे अब वो कह रहा है कि जो आउटर लेयर है किडनी का किडनी की जो आउटर सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना वो टफ होती है, उसको आप कह रहे हैं टफ कैप्सूल ठीक है इनसाइड द किडनी किडनी के अंदर आपके दो जोन है देयर आर टू जो आउटर कॉर्टेक्स एंड ठीक है जो आउटर मोस्ट लेयर है ना सी हेयर दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज सॉरी आपको बताती ये देखो कुछ ऐसे समझ में आएगा दिस आउटर लेयर कैप्सूल इसके अंदर दो पार्ट हैं आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला ठीक है ये वाला पार्ट पूरा कॉर्टेक्स हो गया ये पूरा इनर की तरफ ये मेडुला है अब मेडुला जो है ना इसके अंदर आपके कुछ ऐसे दीज आर आपको दिख रहे हैं इस तरीके से प्रोजेक्शन आपके मेडुलरी पिरामिड है ये आपके मेडुलरी ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं ठीक है थीके? ये आपके जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना इस तरीके से ये ये, ये, ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं अब इसके बाद हम बात करेंगे रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टनी भी इसे हम कहते हैं ये क्या होता है तो वो कह रहा है कि आपके जो मेडुलरी पिरामिड्स है ना इनके बीच में जो कॉल्टेक्स वाला पार्ट होता है द कॉल्टेक्स रीनल कॉलम और दलम ऑफ बर्टनी आई बात समझ में किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया सबको याद है रेडिश और ब्राउन कलर का है बीन शेप स्ट्रक्चर है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है 5 से 7 सेंटीमीटर विथ है दो से तीन सेंटीमीटर थिकनेस है 120 से 170 ग्राम के लगभग इसका वेट है किसका कहां पर प्रेजेंट है बिटवीन द लास्ट थोड़ा सेकेंड थर्ड नंबर वर्टीब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ये प्रेजेंट है फिर हमने देखा कि जो किडनी का जो इनर सेंटर में जो ऐसे इनर कॉन्केव सरफेस पे नोच प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड हाइलम इनर टू दाइलम एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर है इस ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर को रीनल पैल्विस कह दिया

इन पिरामिड्स के बीच में जैसे ये वाला जो स्पेस है ना इसके बीच में जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसको आप कहते हैं रीनल कॉलम या फिर कह दीजिए रीनल कॉलम या इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्ट ठीक है इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम

कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हर एक किडनी के पास लगभग वन मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स जो है दीस आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अब नेफ्रॉन्स के पार्ट है ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट दैट इज द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूबल क्या है डिटेल डिस्कस करेंगे ठीक है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहां पर डनी लगभग वन मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके दो पार्ट है क्लियर है क्या बेटा इफ येस दैन प्लीज हिट द लाइक बटन फिर मैं आगे बढ़ूंगी यहाँ तक क्लियर हुआ तो फटाफट से बताओ इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नफर क्लियर चलो चलो आगे बढ़ते हैं कल बेटा इसी टॉपिक का यहां पर हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम ठीक है अब मैंने यहां पर ये बोल दिया कि नेफ्रॉन के दो पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड द रीनल व्यू क्या है डिटेल डिस्कशन करेंगे अब देखो ग्लोमेरुलस के बारे में अब सुनो ध्यान से ध्यान से सुनना बेटा सी हियर दिस इज द ये जो डबल वॉल या शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको ये जो डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द वोमेन्स कैप्सूल ये डबल वॉल्ड शेप स्ट्रक्चर को आप बोम कैप्सूल कहते हैं ठीक है एक ओ, ओ, जो लेकर आएगा देर इज एन एफरेंट आर्टीरियल ये लेकर आने वाला जो इससे बाहर लेके जाएगा इट इज द देंट आर्टीरियल ये इफरेंट आर्टीरियल है जो बाहर लेके जाएगा जो अंदर ला रहा है दिस इज द एफरेंट दर्टीरियल और बोमेन कैप्सूल के अंदर ही लाइक दिस देर इज टफ टफ कैपिलरीज ऐसे ये जो टफ टफ कैपिलरीज है इसे आप कहते हो ग्लोमेरुलस समझे क्या बोला ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये तो बोमेंस कैप्सूल है जो अंदर लेकर आ रहा है दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल जो बाहर लेके जाएगा दिस इज द ईफरेंट आर्टीरियोल ये ईफरेंट आर्टीरियोल हो गया जो अंदर लेके आ रहा है दिस इज द एफरेंट आर्टेरियल एंड इनसाइड दिस डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर देयर इज लाइक दिस देयर इज टफ टफ कैपिलरीज ये जो टफ टफ कैपिलरीज है इसे आपने कह दिया है ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस along विद द bowman's कैप्सूल, ये मिलके क्या बनाता है ये देखो यहां पर ये समय लाइन पढ़ना अब आपको समझ में आएगा क्या है

ियल ऐसे बाहर लेके जाती है लेकर आने वाली ये है. ठीक है एफरेंट आर्टीरियॉल है ये बाहर लेके जाने वाली ईफरेंट आर्टीरियॉल है एंड दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिस इज द ग्लोमल यही है इसमें वर्ल्ड का मतलब एनसीईआरटी के अंदर ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इट इज कैरीड अवे बाय एन इफरेंट आर्टेरियल ठीक है द रीनल ट्यूब्यूल्स अब ये कह रहा है इट बिगिन विद अ डबल द रीनल ट्यूब्यूल्स इट बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन कहते हैं बोमन कैप्सूल ऐसे ऐसे डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे आपने कहा बोमेंस कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस ये जो टफ टफ कैपिलरीज हमने देखी थी ना ये ग्लोमेरुलस वो इसके अंदर है ये एफरेंट ये ईफरेंट आल्टीरियल यहां पे टफ टफ कैपिलरीज हो गया अब वो कह रहा है ग्लोमेरुलस सॉरी ग्लोमेरुलस अलोंग विद द ये ग्लोमेरुलस अलोंग विद दिस बोमेंस कैप्सूल इसी को आप कहते हैं मेल्फीजियन बॉडी या फिर कह दीजिए रीनल कार्पस्कल मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगा पॉइंट इसको आप कह रहे हो मेल्फीजियन बॉडी और द रीनल कार्पस्कल देखो क्या कह रही हो बेटा ये कह रहा है कि ये देखो ये एक से डबल कप शेप स्ट्रक्चर है ठीक है ये आपका एफरेंट आल्टीरियल अंदर आता है ठीक है एंड इन साइड ले जाने वाली ऐसे हुआ डबल वर्ल्ड कपशेप स्ट्रक्चर दट इज द वोमेन्स कैप्सूल अंदर जो लेकर आ रहा है दिस इज दर्टीरियॉल ठीक है जो बाहर लेके जा रहा है इट इज द दर्टीरियॉल एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस एंड दिस ग्लोमेरुलस अलोंग विद द अलॉन्ग कैप्सूल इट इज कॉल्ड माल्फीजियन बॉडी और माल्फीजियन कार्पस्कल इट इज कॉल्ड द माल्फिजियन बॉडी और द मैलफीजियन कार्पस्कल्स मेरे हिसाब से ये सेक्शन सबको एकदम चकाचक क्लियर होना चाहिए

जुड़े में पिन नहीं लगती ऐसे ऐसे जूड़े में पिन इस तरह की, की होती है तो दैट इज इज द द द इसमें ये हैंडले हैंडले लूप लूप है हेयर पिन शेप नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल जिसमें एक तो होगा डिसेंडिंग पार्ट और एक होगा असेंडिंग लिम्प देखो असेंडिंग लिम्ब जो है ये डिसेंडिंग लिम्प हो गया नीचे आ रहा है ये असेंडिंग लिम्ब हो गया और ये असेंडिंग लिम्ब आपके एक हाईली क्वाल ट्यूब्यूलर रीजन जिसे डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल हम कहते हैं इसके अंदर कॉन्टिन्यू रहता है और फिर यहाँ पर आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है कुछ इस तरीके से है देखो दिस इज दी सीटी प्रोक्सीमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल फिर ये हेयर पिनले असेंडिंग लिम्प ऑफ असेंड ये, PCT है, ये, है, ये, ascend, ये है, लूप ऑफ हेनले है है ठीक है इसमें जो नीचे की तरफ आ रहा है दिस इज द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले

फिर ये जो असेंडिंग लिम्फ है ये कंटिन्यू हाईली कॉल टूबुलर रीजन में हो रहा है जिसको हमने कह दिया डिस्टल ट्यूबी डी डीसीटी डीसीटी ऑफ सो स्ट्रेट ट्यूब के अंदर ओपन होता है जिसे आप कहते हैं ये, ये, है? ये देखो ये डायग्राम ये क्लियर होगा दिस इज एफरेंट आल्टीरियल दिस इज डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर दिस डबल वॉल्ट कप शेप स्ट्रक्चर इट इज द बोमेंस कैप्सूल ठीक है और बोमेंस कैप्सूल अलोंग विद द ग्लोमेरुलस इट इज कॉल्ड द माल्फिजेंट बॉडी और द रीनल कार्पस्कल ठीक है अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं बता रही हूँ रुक जाओ अरे डायग्राम नहीं दे रखा क्या ये ये देखो एक दिस वन ये आपका यहां से ये डायग्राम समझना ये डायग्राम समझना बेटा दिस इज द डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज द बोमन कैप्सूल दिस इज द ग्लोमेरुलस दे आर कलेक्टेड इन मालपीजियन बॉडी और द रीनल कारपस्कल दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल देन इट लीड्स टू द दिस हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर दिस इज द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले दिस इज द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले ठीक है देन इट कम्स टू द अनादर पार्ट दिस इज द डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल और ये जो है इट इज द कलेक्टिंग डक्ट ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा अब एक एक का फंक्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगी मेरे हिसाब से यहाँ तक के सराम कहानी सबको क्लियर हो गई होगी इफ यस हिट द लाइक बटन क्लियर हो गया होगा तक एक-एक सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आगे का पढ़ा रही हूँ मैं ये तो बाद में पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड ऑल ये दे रखा है मैं आपको एक एक

सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम ये क्या करता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द री ऑब्जॉर्प्शन रीऑबॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है तो पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल जो है पीसीटी जो है इट इज लाइंड बाय इसको लाइन कर रही है पीसीटी इज लाइन बाय मैं यही लिख रही हूँ एनसीआरटी की लैंग्वेज है पूरी एनसीआरटी में हाईलाइट करते जाओ दिस सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपीथीलियम ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम क्या करेगी इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देगी सरफेस एरिया को बढ़ा देगी फॉर रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन के लिए इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ठीक अब वो कह रहा है ध्यान से सुनो अगेन इस पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है नियरली अधिकतर जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट है नियरली ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80 प्रतिशत इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का रीअब्सॉर्बन आपके पीसीटी

हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन देख लो डायग्राम में दिखा ये, देखो। ये, हाँ, ion, ये इसका क्या हो रहा है ये सिक्रीशन हो रहा है और ये अब्जॉर्ब हो रहा है तो बाय प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल से बाय लेक्टिव सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन ये एनएसल सब इनका सिलेक्टिव सिक्री ये देखो यहाँ पे देखो कहा गया यार हाँ बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन अमोनियम एंड पोटेशियम आयन इन टू द फिल्टरेट और एच सी ओ थ्री माइनस आयन का यहाँ से अब्जॉर्ब होता है जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये देखो ये HCO3- आयन ये वाटर NaCl न्यूट्रिएंट पोटेशियम सबका एब्जॉर्प्शन H+ आयन और H3 आयन का सिक्रीशन होता है ये होता है PCT के अंदर तो इट इज ऑल अबाउट द PCT दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूबल्स आप चाहे तो डायग्राम में यहां लिख सकते हो PCT का, का काम कि ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट सत्तर से अस्सी प्रतिशत इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉपश्शन इसी पार्ट से हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूबुल के ये पीएच और आयरिक बैलेंस को मेंटेन करने में इसका रोल है किसका ऑब्जॉर्बशन किसका सिक्रीशन कर रहा है वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है ये तो था पीसीटी के बारे में इसके बाद ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले के बारे में आता है ये भी डायग्राम से क्लियर है डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैं जो है ना ये जो डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले है ये वाटर के लिए तो परमिबल है बट इट इज नॉट परमेबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट और असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ एनले है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिबल है बट इट इज नॉट परमेबल फॉर द वॉटर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुका है कुछ और नहीं पढ़ना डायरेक्ट डायग्राम से क्लियर है दिस इज द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ एनले यहां से आपको वाटर दिख रहा है इट इज परमिएबल फॉर द वॉटर बट नॉट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट दिस इज द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ एनले इट इज परमिबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट नॉट फॉर द वॉटर देख लो यही चीज लिखी हुई है ये हो गया नेक्स्ट देखो हैंडलेस लूप की बात कर रही है मैक्सिमम रीअब्सॉर्पन हो रहा है आपके मतलब मैक्सिमम इसका असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है इसमें हाउ एवर दिस रीजन सिग्निफिकेंट रोल इसका काम है मेंटेनेंस द डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है का काम इट मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूड हाईलाइट कर लीजिएगा एनसीआर टी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट रोल इन मेंई ऑसमोलारिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूड हमने देखा डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेल्ले वॉटर के लिए तो परमिएबल है डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले डाइग्राम में देखा वॉटर के लिए परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है बट ऑलमोस्ट इम परमिबल टू इलेक्ट्रोलाइट अब वॉटर के लिए परमिएबल है

रीअबॉर्न हो रहा है और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का यहां से डिस्टल से हो जाता है मुझे कुछ भी लिखवाने की जरूरत नहीं का करवा रहा है इनका ऑब्जॉर्न करवाता है डायग्राम है से फिर इसके बाद हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में ये एक है, जो किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से विच एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी

सिंपल क्यूबॉर्डर ब्रश बॉर्डर एपीथिलियम विच द दर्फेस एरिया फॉर द रीब्जॉर्न जितने भी ऑलमोस्ट ऑल और -absorpt, सत्तर से अस्सी प्रतिशत इलेक्ट्रोलाइट का रीअन एच सी एन एस एल वॉटर का हो जाता है आय बैलेंस को मेनटेन करने में इसका रोल है लूप ऑफलेन इफ डिसले वॉटर के लिए परमिएबल है

वाटर को करवा रहा है ठीक है और यूरिया भी यहाँ से रिलीज करता है इसका भी पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में रोल है तो ये जो के जो नेफ्रॉन्स के सारे सेगमेंट है ना प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स लूप ऑफ हेडले डिस्टल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट इन सब के रोल्स एंड फंक्शंस में डिस्कस कर चुकी नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ये पूरा एनसीईआरटी है बेटा एनसीईआरटी इसी तरीके से पढ़ना बीच वाला जो सेक्शन छोड़ा था ना ज द इट इज रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ यूर इन्फॉर्मेशन ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या है यूर इन्फॉर्मेशन कैसे होता है अब ध्यान से सुनना जस्ट गिव मी अ सेकेंड ठीक है यहां तक क्लियर हुआ हम्म hmm. हाँ या ना तो बोलो भाई और सुनो आज शाम चार बजे आज शाम चार बजे अन प्लेटफॉर्म पर आपका स्पेशल क्लासेस रन करूंगी मैं चार बजे मैं लाइव आऊंगी ठीक है चार बजे मैं लाइव आऊंगी फॉर द टेस्ट ठीक नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड अब सुनो यूरिन फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यूरिन फॉर्मेशन फॉर्मेशन यूरिन में तीन मेन स्टेप है ग्लोमरल फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमरल फिल्ट्रेशन विच इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्बेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ये तीन स्टेप्स के अंदर होता है ठीक है एक एक को डिटेल में डिस्कस हम करने वाले हैं सबसे पहला स्टेप जो है द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन अल्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आराम से क्लियर हो गया होगा एनसीआरटी का ही लैंग्वेज है यूरिन फॉर्मेशन तीन स्टेप में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअबॉर्बेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन सबसे पहला स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इट इज ये क्या है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यहां पर होगा बाय थ्रू द दिस को आप कह देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अब वो कह रहा है लगभग ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1100 से 1200 सो एम ऑफ ब्लड ये फिल्टर होता है किडनी से हर एक मिनट के अंदर जो कि लगभग वन फिफ्थ ऑफ द ब्लड विच इज आउट बाय द वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एक मिनट के अंदर उसका पार्ट है मतलब कुल मिला कि ग्यारह सो से बारह सो ऑफ ब्लड जो है ये किडनी फिल्टर करती है एक मिनट के अंदर द ग्लोमर कैपिलरी ब्लड प्रेशर ये आप छोड़ो अब ये पहले मैं आपको ये लेयर समझाती हूँ फिर मैं बताऊंगी कुल मिला के उसके कहने का मतलब यह है तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट 120 से 125 ml पर मिनट हो गया ना तो यानी कि पूरे 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपका 180 लीटर पर डे होता है 180 लीटर पर डे बनता है और हमें कितने अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना है एक दिन में कितना होता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना अस्सी प्रतिशत मैक्सिमम तो फिर रीअब्जॉर्बन ही हो जाता है जल्दी बोलो भाई मैंने बोला लगभग ऑन एन एवरेज ग्यारह सौ से बारह सौ एम एल हो रहा है ना तो एक सौ अस्सी लीटर पर डे बन रहा है दिन का लेकिन कितना निकलता कितना है रिलीज आउट कितना होता है बॉडी से कोई आंसर ही नहीं दे रहा है मैं भी ना लाइक बन जाऊंगी मैं भी नहीं दूंगी वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वो बता रहा है तीन लेयर्स हैं इसकी ठीक है एपिथेलियम ऑफ द एंडो एपिथेलियम ऑफ ऑफ़ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ठीक है जो ग्लोमेर ग्लोमेरुलस है ना ग्लोमेरुलस के तीन लेयर्स हैं ज द एंडोथिलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल एपीथिलियम एंडोथिलियम द ग्लोमर कैप्सुलर मैम्रेन जो फिल्टरेशन मैम्रेन है ना जो फिल्टरेशन करवाएगी हाँ डेढ़ लीटर यस yes, अभी आ जाएगा जो ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मैम्ब्रेन है यहाँ पर डायरेक्टली ये दे रखा है ठीक है जो ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मैम्ब्रेन है जो फिल्टरेशन करवाएगी यानी कि जो फिल्टरेशन मैमब्रेन है जिसके थ्रू ब्लड का फिल्टरेशन होगा इसकी तीन लेयर है एंडोथीलियम दट इज द एंडोथिलियम ऑफ ग्लोमेरल और ब्लड वेसल द एपीथिलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मैमब्रेन प्रेजेंट होती है अब वो कह रहा है कि जो एपीथीलियल सेल्स है ना बोमेंस कैप्सूल की उसको आप कहते हैं पोडोसाइट्स पोडोसाइड्स और ये एक ऐसे मैनर में अरेन्ज होते हैं एंड आर अरेज इन एन इंट्रीकेट मैनर की बीच बीच में ना ऐसे स्पेस प्रेजेंट होता है इसको आप फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स भी कहते हैं क्या बोला जो एपिथीलियम है कैप्सूल की इसे आप कहते हो पोडोसाइट और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि बीच बीच में छोटे 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 छोटे, -छोटे पोर्स रह जाएंगे इन पोर्स को आप कह रहे हैं देखो द एपिथीलियल सेल ऑफ वोमेन्स कैप्सूल इसे कहा पोडोसाइट एनसीआर पढ़ के सुना रही हो और ये इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस जिसे हम कह रहे हैं फिल्ट्रेशन स्लिट और द स्लिट पोर्स और ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स है इसके थ्रू आपका ब्लड जो है इट इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द मेम्ब्रेन ब्लड का फिल्ट्रेशन इसी के थ्रू होता है कि ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द प्लाज्मा किसको छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन ये आपके इसके थ्रू पास हो जाएगा इनटू द ल्यूम ऑफ बोमन कैप्सूल इस प्रोसेस को इसलिए हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आई योगी बात समझ में सिंपल सा कॉन्सेप्ट की जो सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का इट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक है इसमें हमने बात की कि जो सबसे पहला स्टेप है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है लगभग 180 लीटर यूरिन बनता है पर डे में ठीक है क्योंकि 1100 से 1200 सौ एम पर मिनट बनता है तो लगभग 180 बनता है तो 180 और हमें एक्सक्रीट आउट तो सिर्फ डेढ़ लीटर करना है बहुत आंकड़ों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो कह रहा है कि जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल की जो मैम्ब्रेन है ना जिससे फिल्ट्रेशन होगा जो फिल्ट्रेशन मैम्रेन है तीन लेयर है दैट इज द गया दैट इज द एंडोथिलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल एपीथिलियम ऑफ बोम कैप्सूल और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मैमब्रेन प्रेजेंट है अब वो कह रहा है जो एंडोथिल एपीथिलियम है ना बोमेंस कैप्सूल की उसे आप कहते हैं पोडोसाइट और ये एक इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होता है इंट्रीकेट मैनर का मतलब ऐसे अरेंजमेंट होता है कि बीच में छोटी 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 स्पेसेस स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं इन को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा तो सारा का सारा प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन ये फिल्टर होके आपके अः ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल में पहुंच जाता है इसलिए इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है तो इसलिए इसको आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा अब वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मड बाय द किडनी पर मिनट जितना ग्यारह सो सौ बारह सो एम एल बन रहा है ना किडनी बना रही है फिल्ट्रेट तो जितने अमाउंट में फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन किडनी हर एक मिनट में कर रही है उसे हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और वो लगभग 125 सौ पर मिनट यानी कि पर डे की मैं बात करूं तो 180 लीटर पर डे बन रहा है ये फिल्ट्रेट ठीक है अब ये 180 लीटर पर डे बनता है

रीनल ट्यूब्यूल सेकेंड स्टेप विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझ में आई बात एक सौ अस्सी लीटर पर डे बन रहा है एक्सप्रीट आउट सिर्फ डेढ़ लीटर होना है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो जितना बनता है उसका नाइनटी नाइन परसेंट तो ट्यूब्यूल्स के द्वारा दोबारा से रीअबॉर्ब हो जाता है

दे आर रीअबॉर्ब एक्टिवली जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यह पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो जाता है ठीक है वाटर का जो रीअब्जॉर्बन है यह पैसिवली होता है रीअब्सॉर्ब्शन ऑफ वाटर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ठीक है और वो किस किस का क्या काम है ये हमने डिस्कस कर लिया तो हमें ट्यूब्यूल क्या करते हैं लूप ऑफ का काम क्या है, का का क्या है और कलेक्टिंग डक्ट का, का काम क्या है तो वो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है बता चुकी बस सेकंड स्टेप में याद रखना ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्बन में एक लीटर बर्ड डे बन रहा है रिलीज सिर्फ डेढ़ लीटर होगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो नाइनटी नाइन परसेंट इट इज रीअबॉर्ब बाई द ट्यूब्यूल्स

फंक्शन ऑफ टिब्यूल में डिस्कस कर चुकी इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेट द यूरिन ठीक है ये मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट ये मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है यहां तक समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन प्लीज हिट द लाइक बटन यहां तक समझ में आया बच्चों से यस और नो जल्दी जल्दी बोलो यहां तक समझ में आया हुँ. तो नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है अब बेटा वैसे देखा जाए तो ज्यादा सेक्शन बचा नहीं है ज्यादा सेक्शन बचा नहीं है ठीक है हमारा ये वाला सेक्शन ही रह गया है बस मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ठीक है रास मैकेनिज्म जो है जे जी ऑपरेटर्स वाला रास मेरे को पढ़ाना है और कुछ डिफेक्ट मतलब आधे घंटे का सेक्शन बचा है यह आधे घंटे का सेक्शन देखो ऐसे एक एक डिटेल पढ़ना ज्यादा अच्छा है कि एनसीईआरटी के नोट्स भी हमारे साथ साथ बनते जाएं तो ये मैं कल के क्लास में करवाऊंगी क्योंकि अब क्लास का साइज थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे और कल की ही क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे मंजूर है क्या लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और भाई कल से तादाद बढ़ा के आओ तभी वन डे वन चैप्टर चलेगा नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन कल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और आज शाम चार बजे आपको जो मैंने टारगेट दिया था जेनेटिक्स कंप्लीट जेनेटिक्स कंप्लीट इकोलॉजी कंप्लीट रिप्रोडक्शन यूनिट इसका मेजर टच सीरीज आज से शुरू हो जाएगी शाम चार बजे मैं आपको लाइव मिलूंगी उसके लिए ठीक है चलो जल्दी से जल्दी से लेट मी नो ऐसा कर ले ठीक है ठीक है, ठीक है? क्लियर ओके तो जो थोड़ा सा सेक्शन है दो दिन के अंदर कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे ये हमारा वन डे वन चैप्टर का रहेगा जो थोड़ा सा सेक्शन है वो कल क्योंकि मैं ये कॉन्सेंट्रेट शुरू करूंगी खत्म हो नहीं पाएगा टेन थर्टी तक तो वो हम कल की क्लास में करके कल की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पहले ये मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट पढ़ेंगे देन वी विल स्विच टू द क्वेश्चन तो इसका यहाँ तक पूरा पढ़कर बैठना कल क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस बच्चों बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं पर ये देखो सोलह जुलाई तक ही बहुत आ, कल कल तक है सोलह जुलाई तक वैलिड है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अभी बहुत फायदा मंद है एक एक साल का डिस्काउंटेड प्राइस सिक्सटी थाउजेंड और दो साल का सत्तर हजार चल रहा है पचास हजार डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन पर आप अभी दो साल को लो आपको इकतीस अगस्त दो तक वैलिडिटी मिलेगी यानी एक्सटेंशन और मिल रहा है

ठीक है ये यह देखो यहाँ पे प्राइस लिस्ट भी यहाँ पर दे रखा है पर प्राइस तो ठीक है ये एक अप्रीशिएशन का एक तरीका है बाकी मेनली इसके अंदर क्या है आपको आप कहाँ पर स्टैंड करते हो ये पता लगता है देखो आप लास्ट ईयर के प्रोडिजी रैंक और इनका ऑल इंडिया रैंक देख लो मतलब बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन का माहौल होता है और बहुत मज़ेदार चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको प्रोडिजी जरूर देना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्जेस नहीं है कोई चार्जेस नहीं है लेकिन वो आपसे कोड पूछेगा अनलॉक करने के लिए आप शिवानी कोड के साथ अनलॉक कर सकते हैं शिवानी कोड के साथ आप अनलॉक कर सकते हैं ठीक है तो ये हमने डिस्कस कर लिया सारा इट इज ऑल अबाउट दिस मैंने आपको बता दिया आपको सब्सक्रिप्शन लेना है शिवानी कोड अप्लाई करके ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन डिटेल वीडियो की शुरुआत में मौजूद है दस परसेंट डिस्काउंट और बम्पर ऑफर जो भी चल रहा है ये तो अनलॉक हो गई थी

सुबह नौ बजे मैं आपको मिलूंगी ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन थैंक यू सो मच गाई फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू बाय बाय शाम चार बजे टेस्ट के लिए मिल रहे हैं और ठीक है चलो और लिंक शेयर करके आओगे कल से